Hello student, today we see the first problem on the basis of block diagram reduction rules. We see the already block diagram reduction rules in the previous lecture, and in that lecture we see the problem on that. Firstly, we see this is the problem that is based on block diagram reduction. In that, first step we observe this system. Okay, सबसे पहले आपको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये सिस्टम में हम लोग कौन सा फॉर्मूला या फिर रूल्स लगा सकते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के. ओके, सो सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या दिख रहा है. एच दिख रहे हैं, है ना, और G1, G2, H1, H2 और H3. मीन्स एच है, तो आपके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्या है फीडबैक, दैट इज एच, दैट इज द फॉर्मूला और रूल नंबर 3. ओके, फीडबैक, दैट इज द फीडबैक रूल. ओके, सो सी फर्स्ट वन फीडबैक इज H1. ओके, एंड सेकेंड वन फीडबैक इज H3. देन ये दोनों पहले आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बाद में क्या करना पड़ेगा, जो भी फाइनल इसका आएगा उसको H3 जो है वो फीडबैक रहेगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अप्लाई रूल 3. ओके, दैट इज इलिमिनेट द स्मॉल फीडबैक लूप. अभी यहाँ पे स्मॉल फीडबैक लूप कौन सा है, H1 है और H2 है. ओके, तो सबसे पहले ये दोनों फीडबैक लूप आपको क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 3. ओके, सो सी व्हाट इज द रूल नंबर 3, दैट इज R ऑफ S, यहाँ पे क्या आएगा G1 आएगा और इधर क्या आएगा H1 आएगा. ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं सॉरी रूल्स लिखना पड़ेगा, और उसका जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा. वो क्या आता है, G1 अपॉन क्या आता है 1 प्लस G1 इंटू H1. ओके, तो ये हो गया अपना पहले ब्लॉक. ओके, उसके बाद में इधर क्या आएगा इनपुट और इधर क्या आएगा आउटपुट, दैट इज सी ऑफ एस. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगेन अप्लाई दिस टू H2 एंड G2, देन R ऑफ S, इधर क्या आएगा अभी G2 आएगा. ओके, यहाँ पे H2 आएगा, उसके बाद सी ऑफ एस, इसका भी क्या आएगा अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर का लिखा है क्या, G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2. ओके, और इसको भी क्या रहेंगे फीडबैक, दैट इज R ऑफ S, सी ऑफ S. ओके, यहां तक हो गया. अभी ये जो फॉर्मूले आए अपने रूल्स आए हैं ये हम लोग इसके साथ रिप्लेस करेंगे. ठीक है, ये दोनों ब्लॉक की जगह पे कौन से ब्लॉक आएंगे, ये दोनों ब्लॉक्स आएंगे. ठीक है, या भाई ये ब्लॉक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और ये ब्लॉक यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, तो क्या कैसे बनेंगे अपने डायग्राम, दैट इज R ऑफ S यहाँ पे आएगा G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1. ओके, ये ब्लॉक का इधर लिख लिया, बाद में नेक्स्ट ब्लॉक का जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉक के इसमें लिखूंगी. ओके, दिस वन रिप्लेस बाय दिस टू. आफ्टर दैट क्या करूंगी, बाद में क्या बचता है अपना, सिर्फ
H3 बचता है तो वो जैसे कि वैसे ही रहेगा, लिख लेती हूँ H3। फीडबैक जो है वैसे ही रहेगा अपना, ये वाला फीडबैक। ओके, इसके बाद में अब फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये दोनों ब्लॉक जो है, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक अभी कैसे हैं, इट इज इन सीरीज में है। इसके बाद में कौन सा रूल लगेगा अपना, फर्स्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके जगह पे अपने को एक ही ब्लॉक चाहिए, क्योंकि जो फीडबैक है वो सिर्फ एक ही ब्लॉक को लगता है। तो ये दो ब्लॉक है वो किस कैसे हैं, इट इज इन सीरीज। सो अप्लाई रूल फर्स्ट। क्या है रूल फर्स्ट? दैट इज कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज, कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज। ओके, उसके बाद में फिर से इसके जैसे रूल लिखना है इसका भी नीचे, और बाद में वो ब्लॉक को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अभी फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्लॉक लिख लो G1, 1+G1H1। ओके, उसके बाद में G2, 1+G2H2। ओके, अभी इसका कॉम्प जो रूल्स है वो क्या लगता है, ये दोनों कैसे आते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ G1 G2 अपॉन 1+G1H1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1+G2H2, ठीक है। अपना फर्स्ट रूल था देखो कैसे था, G1 G2, इसको हम कैसे लिखते थे, G1 dot G2 लिखते थे, ठीक है, उसी के जैसे अपने को ये लिखा है मैंने। अभी क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है, ये जो क्या है अपना आंसर आया है ब्लॉक का, वो हम ये दोनों के जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो अपना जो डायग्राम है, ठीक है, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगी, जो आंसर आया है वो लिखूंगी। तो क्या हो जाएगा देखो, दैट इज R(S), ओके, प्लस माइनस, उसके बाद में जो ब्लॉक है अपना वो लिखेंगे क्या है, G1 G2 अपॉन 1+G1H1, सेकेंड में 1+G2H2। ओके, ये ब्लॉक मैंने रिप्लेस कर दिया इधर। उसके बाद में क्या बचता है अपना, फीडबैक, तो वो वैसे की वैसी रहेगा, जैसे कि वैसी, दैट इज H3। ओके, अभी फिर से देखो यहाँ पे क्या है, फीडबैक है, H3 है ना, तो और एक ही ब्लॉक है, तो कौन सा रूल लगेगा, अगेन अप्लाई रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 लगाना है फिर से, अप्लाई रूल 3। क्या है अपना रूल 3, दैट इज फीडबैक लूप, इलिमिनेट फीडबैक लूप। ओके, सो इसके बाद में क्या आएगा देखो, सी अगर हम लोगों ने इसको रूल नंबर 3 लगाया तो कैसे होगा, दैट इज R(S), ठीक है। अभी कैसे आएगा, G1 अपना ये पूरा क्या है, G है, तो लिख लेंगे G1 G2 अपॉन 1+G1H1 1+G2H2। ओके, ये हो गया अपना G, और उसके डिनोमिनेटर में क्या रहता है कभी भी, 1+G1H1, तो G और H रहता है, ठीक है, 1+G H रहता है, तो G लिखेंगे फिर से G1 G2 अपॉन 1+G1H1। ओके, और दूसरा है 1+G2H2। ओके, उसके बाद में क्या रहता है अपना फीडबैक, दैट इज इधर क्या है फीडबैक, दैट इज H3, तो H3 लिख रही हूँ। तो ये हो गया अपना ब्लॉक डायग्राम, और ये हो गया
सी ऑफ एस। ओके, अभी क्या करना है, इसको आपको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, है ना। तो अभी क्या आएगा, फिर अभी आपको क्या लिखना है, सी ऑफ एस और आर ऑफ एस के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या आएगा, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, दैट इज सी ऑफ एस क्या है इधर आपका, ये पूरा आपको लिखना है, क्या है, जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी वन एच वन, वन प्लस जी टू एच टू। ओके, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है अपना, दैट इज वन प्लस जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी वन एच वन, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस जी टू एच टू और फीडबैक एच थ्री। ओके, ये हो गया सी ऑफ एस आर ऑफ अपॉन आर ऑफ एस के फॉर्म में। अभी इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। जितना सॉल्व करेंगे स्मॉल इसमें वैल्यू आएंगे आपकी इक्वेशन की, वो आपका आंसर रहेगा। तो इसको मैं अभी सॉल्व करती हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी क्या हो सकता है ये इक्वेशन में, यस हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको इसका जो है एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर की टर्म है वो जैसे कि वैसी रहेगी, क्या आएगी, जी वन जी टू, ओके, अपॉन वन प्लस जी वन एच वन, वन प्लस जी टू एच टू। ओके, अभी डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रही हूँ, इसका एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम अगर ले लिया कॉमन, तो क्या बचे नीचे, क्या ले रही हूँ एलसीएम, दैट इज जी वन, वन प्लस जी वन एच वन और वन प्लस जी टू एच टू। ये अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है वन के इस पे, ये वाले टर्म नहीं है, तो मैं ये जो टर्म है ये पूरी इसको क्या कर लूंगी, मल्टीप्लाई में लिख लूंगी ऊपर, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि 10th और 12th में ऑलरेडी जो है एलसीएम का टॉपिक रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, वन प्लस जी वन एच वन डॉट वन प्लस जी टू एच टू, ठीक है। प्लस अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपना जो टर्म है अभी इसमें देखो, इसमें जो है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो हम लोग जो इन्यूमिनेटर में नहीं लिख सकते। जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर डिनोमिनेटर में वही टर्म हो तो आपको न्यूमिनेटर में नहीं लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बची हुई टर्म है अपनी न्यूमिनेटर की, वो जैसी की वैसी आएंगी, जी वन जी टू एच थ्री। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या है, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों नीचे के कैंसल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, फिर जी वन जी टू ऊपर का और ये नीचे का, क्या है, वन प्लस जी वन एच वन और वन प्लस जी टू एच टू प्लस जी वन जी टू और जी थ्री, सॉरी एच थ्री। ओके, यहाँ पे ये बचेंगे। अभी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हो। तो अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक डायग्राम में लिख लेंगे इसको। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा अपना, ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, अभी कैसे आएगा, अभी इसको आर ऑफ एस और जी ऑफ सी ऑफ एस के फॉर्म में लिखना है। तो ये अपना आर ऑफ एस आएगा, उसके बाद में ब्लॉक में क्या लिखना है, ये जो आंसर आया है जी वन जी टू अपॉन वन प्लस जी वन एच वन, वन प्लस जी टू एच टू और प्लस जी वन जी टू और एच थ्री, ठीक है। ये अपने किस में आएगा, ब्लॉक में आएगा, और इधर क्या आएगा, दैट इज सी ऑफ एस।
ओके, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा ये प्रॉब्लम का। उसी के तरह आपको बाकी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, और आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। सो थैंक यू।